स्वागत करती हूँ एसएसटी फंडा के यूट्यूब चैनल पे। टॉपिक इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। आज के दिन एक्चुअली बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई हैं 2020 ईयर में। फादर्स डे संडे है हमारा, आज संडे भी पड़ गया, छुट्टी का दिन भी सेलिब्रेशन है, इंटरनेशनल योगा डे भी है और सूर्य ग्रहण भी है, सोलर इक्लिप्स। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ पड़ गई है और आज का टॉपिक इसीलिए मैंने इंटरनेशनल योगा डे लिया है कि आज के दिन हम बात कर सके अपने इस दिन के विषय में। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हमारे जो करंट के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने आते ही अपना एक वर्चस्व विश्व में स्थापित कर दिया इस दिन के थ्रू। चलिए बात करते हैं कि कैसे उन्होंने विश्व भर में अपना नाम कर दिया और हमारे इतने 5000 साल पुराने वैदिक योग को उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया। बात करते हैं उनके पहले इन पॉइंट्स को, इन जो डेट्स लिखी हैं इनको समझते हैं, देन फिर बात करते हैं इनके इतिहास के बारे में, थीम के बारे में और बहुत सारे रिलेटेड इनकी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में। चलिए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे, विश्व योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के नाम से जाना जाता है इस दिन को। इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं 21 जून एवरी ईयर फ्रॉम द 2015 के 21 जून के बाद हम हर दिन इसे, हर सॉरी 21 जून को हर बार हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, विश्व योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस या फिर इंटरनेशनल योगा डे के रूप में। बात करते हैं शुरुआत कैसे हुई। हम सबको पता है 2014 नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, शपथ ली उन्होंने 26 मई 2014 के दिन। शपथ लेने के बाद मैंने आपको, आप वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे जो हमारे राष्ट्र हैं, नेशंस हैं, उनको कलेक्ट करके रखती है, एक जगह पे बांध के रखती है कि जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, ऐसा वर्ल्ड वॉर हमारे आगे ना हो और ऐसी क्षति हमारे जो अर्थ है उसको दोबारा ना मिले, जो लोग हैं उनको वापस से किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे, हार्म ना पहुंचे इस वजह से। तो यहाँ पे यूएनओ का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि अगर हमें कोई भी इंटरनेशनल डे अगर हम अपने देश के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, डजंट मैटर, वो हमारा अंदरूनी इनर मैटर है, हम कर सकते हैं। बट अगर हमें कोई डे, कोई सेलिब्रेशन इंटरनेशनल लेवल पे करना है, उस जगह हमें यूएनओ की मदद चाहिए होती है। हमें चाहिए होता है यूएनओ में हम अपना जो भी प्रस्ताव है, जो भी डे है, जो हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं उससे संबंधित हम जो भी असाइनमेंट है वो वहाँ प्रेजेंट करें। वहाँ पे लगभग 193 कंट्रीज हैं, वो वोटिंग के थ्रू हाँ या ना में जवाब देंगी और उसके आगे डिसाइड होगा कि जो भी आपने एग्रीमेंट, जो भी प्रस्ताव, जो भी असाइनमेंट दिया है, क्या वो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा या नहीं। तो बात करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है और हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता, वैदिक जो योग है ये लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है, ऐसा माना जाता है। वेदों में भी इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, जो हमारे चार वेद हैं, उपनिषद हैं या जो भी पुराण है उनमें भी इनका जो वेद है उनमें माना गया है कि ये हमारे इंडिया का एक पार्ट रहा है। जैसे दूसरे देशों में एक्सरसाइज जो वर्ड है यूज किया जाता है, हमारे देश में योगा वर्ड, योग वर्ड यूज किया गया है, जो कि पुराने समय में सन्यासी योगी लोग बैठ के करते थे। बहुत जरूरी है आज के टाइम पे भी, आजकल लोग इतने नर्वस हो रहे हैं, इतने अपने आप को डिप्रेस कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक बहुत दुखद घटना घटी सुशांत सिंह राजपूत से, तो ये आजकल के बच्चों में बहुत बार सुनाई देता है कि उनके जो परसेंटेज है वो अच्छे नहीं आए, उन्होंने सुसाइड कर लिया, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही थी, पिछले 5-7 सालों से वो कोशिश कर रहे थे और नहीं लगी, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनकी लग गई, इस तरीके की जो चीजें हैं इनसे निकालने में डिप्रेशन, कुछ लोग पैसे को लेके बहुत डिप्रेशन में, बहुत सारे डिप्रेशन का तो कोई लिमिट ही नहीं है कि किस चीज से किसी को डिप्रेशन हो सकता है। इन सब चीजों से भी मेडिटेशन, योगा, ये एक पूरा एक कॉम्बिनेशन है जो आपकी
फिजिक बॉडी को, जो आपके माइंड को, हर चीज को, जो आपको एक रिलीजियस तौर पे भी आपको धर्म से भी जोड़ता है। योग ओम का लोग बहुत उच्चारण करते हैं, तो ऐसे बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए अपने टॉपिक में आते हैं कि 26 मई 2014 को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, करंट में भी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, ये इलेक्ट हुए। इन्होंने ओथ ली 26 मई को। उसके बाद 27 सितंबर को यूएनओ में वो पहुंच गए, जहां पे ये हर साल यूएनओ की बैठक होती है, जो भी इसके 193 कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं, उनकी बैठक होती है, वहां जाना बहुत जरूरी है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री थे, वो भी वहां गए। हर व्यक्ति, हर जो भी देश वहां प्रेजेंट हो रहा है, वो अपने से रिलेटेड कुछ बातें वहां कह सकता है, बता सकता है, जो परेशानियां उसको हो रही हैं। ये पूरे विश्व स्तर की एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे नरेंद्र मोदी जी 27 सितंबर 2014 को उनको वहां मौका मिला कि वो वहां पे कुछ स्पीच दें, भाषण दें, अपने देश के बारे में, अपनी चीजों के बारे में कहें। और 27 सितंबर को ही उन्होंने विश्व योग दिवस के बारे में लोगों को बताया, उनको चिताया कि ये हमारी जो योग की जो नीति है, जो तरीका है करने का, ये लगभग 5000 साल पुराना ऐसा माना जाता है कि जो योग है, ये लगभग जब से हमारी ये जो मनुष्य सभ्यता है, जब से ये स्टार्ट हुई है, तब से ही योग भी स्टार्ट हुआ है। तो उन्होंने इस बात को बताया, लोगों को इनका टॉपिक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल अगर सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है, आदमी हर चीज कर लेता है, वो पैसा भी कमा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, हर चीज कर रहा है, टेक्निक भी यूज कर रहा है, लेकिन अगर कोई चीज है जो शायद वो नहीं कर पा रहा है, तो वो है अपने शरीर का ध्यान रखना। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया और बोला हमें अपने लोगों को जागरूक करने के लिए एक ऐसा दिन, एक ऐसा सेलिब्रेशन रखना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और समझ सके इसके बारे में। ऑर्गेनाइजेशन को ये बात बहुत अच्छी लगी। आगे बात करेंगे कितने लोगों ने उसको सेलेक्ट किया, क्या किया। उसके बाद 11 दिसंबर 2014 को यूएनओ ने, जो इनकी जनरल असेंबली है, महासभा है, वहां पे 1-2000 से कुछ ही अबव प्लस जो देश है, वो उसमें है, हमारे जो वो है, पूरे जो अर्थ है, और उसमें 193 देश है हमारे यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन में। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरी अर्थ है, उसके 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। उसमें से लगभग 177 लोगों ने साथ दिया नरेंद्र मोदी जी का और बोला हाँ, इंटरनेशनल योगा डे होना चाहिए, इससे लोगों को बेनिफिट्स है। जिसमें की ताकि वाली बात है, 40 प्लस कंट्रीज थी जो मुस्लिम कंट्रीज थी और जो अग्री थी योग के लिए, क्योंकि सबको पता है कि योग कोई हार्म नहीं है। आपको बिना आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोगों को जो हार्ट डिजीज है या कोई और थायराइड की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, शायद कुछ एक्सरसाइजेस ना कर पाए, लेकिन योग ऐसी चीज है जो हर कोई कर सकता है, उसे बेनिफिट ही मिलेगा, कभी लॉस नहीं होगा। लोगों ने इस चीज को समझा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज को समझा, और 11 दिसंबर को 2014 में ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हाँ, 21 जून को अब हम नेक्स्ट जो ईयर 2015 आएगा, हम उसमें 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए भी एज ए इंडियन भारतीय, और नरेंद्र मोदी जी के लिए भी, कि उन्होंने पहले ही जो असेंबली थी, पहली बार ही उन्होंने अटेंड करी और वहां पे अपना वर्चस्व रखा, अपनी बात मनवाई और एक इंटरनेशनल डे जो कि इंडिया से रिप्रेजेंट हुआ है, उसको मान्यता दिलवाई। चलिए बात करते हैं 21 जून 2015 ये सेलिब्रेट हुआ फर्स्ट टाइम, और अभी तक इसका ये 6th ईयर चल रहा है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 2020 है जो कि 6th ईयर है। ये हर साल किसी ना किसी थीम पे रखा जाता है, लाइक किसी बार अपने आगे बढ़ने की थीम है, आज इस बार की जो हमारी थीम है, क्योंकि हम सब कोरोना से बहुत संक्रमित हैं, और योग ही ऐसा मानने में, साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि योग से ही आप जो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने में भी ये हमें सहायक है। तो इस तरीके से इस बार की थीम कोरोना से संबंधित रखी गई है, और आगे बात करते हैं इनकी थीम के बारे में। और इसी लॉन्च के साथ साथ, इसी इंटरनेशनल योगा डे के साथ साथ, कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं हमारे देश ने, उसके बारे में भी बात करते हैं। चलिए आते हैं
थीम के लिए कि हर साल इसकी कोई ना कोई थीम रखी जाती है और 2015 से लेके 2020 तक इसकी कौन कौन सी थीम रही है। 2015 में जब सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम ये किया गया 21 जून 2015 में सद्भाव और शांति, सद्भाव लोगों से मेलजोल इक्वालिटी एंड द शांति पीस के लिए। 2016 में युवाओं को जोड़ना, आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी के लिए है तो वो है युवाओं के लिए। आजकल टेक्नोलॉजी के पीछे बच्चे इतना भागते हैं, फोन लैपटॉप टैबलेट हर चीज होने चाहिए लेकिन उनके खुद के शरीर के लिए उनके पास 5 मिनट का टाइम नहीं है। एक एज निकल जाने के बाद भले ही उनको ये बात समझ में आए पर जो युवा है जो हमारे 16-17 साल से लेके और 20-25 साल या 30 साल तक के जो लोग हैं ये उतना ध्यान नहीं देते अपनी बॉडी के ऊपर। तो सबसे बड़ा जो 2016 में एक उद्देश्य बनाया गया था, एक थीम बनाई गई थी, वो था युवाओं को जोड़ना कि ज्यादा से ज्यादा युवा लोग जुड़ सके योगा इंटरनेशनल योगा डे में। 2017 स्वास्थ्य के लिए योग, आप अपने स्वास्थ्य के लिए योग करिए किसी और चीज के लिए नहीं, तो इस थीम को जोड़ा गया हर किसी के लिए। युवा जुड़ चुके थे ऑलरेडी, सद्भाव और शांति हो चुकी थी, अब बारी थी स्वास्थ्य की। हर किसी के लिए बहुत जरूरी चीज है स्वास्थ्य का होना। 2018 में शांति के लिए योग, फिर से शांति जो अराजकता फैल रखी थी पूरे विश्व में उसके लिए था कि शांति के लिए योग किया जाए। नेक्स्ट 2019 में दिल के लिए हार्ट, योगा फॉर हार्ट के नाम से इसे बहुत प्रचलित किया गया था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ था दिल के लिए योग, अपनी जो दिल की शक्ति, क्योंकि हार्ट अटैक के मामले दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इस वजह से योगा फॉर हार्ट का जो टैग है स्लोगन है इसके साथ ही इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट 2020 आज का दिन 21 जून, इसकी जो थीम रखी गई है वो है कोरोना महामारी से बचाओ, अपना इम्यूनिटी सिस्टम आप बढ़ा सकते हैं योग करके जिससे कि आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। बहुत जरूरी है जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं कोशिश करें योग करने की, मेडिटेशन करने की, इम्यूनिटी बढ़ाने की, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं। चलिए आते हैं अपने फैक्ट्स की तरफ कि कौन से रिकॉर्ड्स बनाए हमारे इंटरनेशनल योगा डे ने और कौन से इसके अमेजिंग फैक्ट्स भी हैं। चलिए बात करते हैं इसके अचीवमेंट्स की। मैंने बताया आपको कि प्रधानमंत्री के जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनके थ्रू हमें एक मौका मिला यूएनओ में इंटरनेशनल डे प्रेजेंट करने का और उन्होंने भी बहुत हार्टफुली इस चीज को एक्सेप्ट किया और मान लिया कि योगासन जो है वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी चीज है। अचीवमेंट्स की बात करते हैं 2015 के अचीवमेंट की, यहाँ पर स्पेशली मैं मेंशन कर दूं 2015 प्रपोजल पास 19 डेज बाय द यूएनओ। यूएनओ ने जो प्रपोजल पास किया उसको 90 दिन लगे थे, जब 27 सितंबर को फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज को ऑन एयर किया था, वहां एड्रेस किया था और उसके बाद 90 डेज के अंदर ही यूएनओ की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने इसके लिए इसको मान लिया था और बता दिया था कि अब से 21 जून को इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाए, सॉरी इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये भी एक अचीवमेंट है क्योंकि इससे ज्यादा ये सबसे कम दिन है जब किसी इंटरनेशनल डे को सपोर्ट किया गया है और लागू कर दिया गया है उसके लिए। चलिए 190 कंट्रीज थी अप्रोक्स वहां पर उस टाइम पे जिसमें कि 40 मुस्लिम कंट्रीज थी जिन्होंने इसे बहुत हार्टफुली एक्सेप्ट किया कि हाँ हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और ये एक अच्छी चीज है, ये भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग बाय द डीडी फर्स्ट डे जब 21 जून 2015 में ये फर्स्ट टाइम किया जा रहा था उस टाइम राजपथ पे हमारे प्रधानमंत्री जी थे और वहां से डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग किया जा रहा था, डायरेक्ट प्रसारण किया जा रहा था जो कि हमारे सरकारी चैनल हम कह सकते हैं या जो फ्री है दूर दूर प्रदेशों और देशों में है डीडी दूरदर्शन, हम सबने इसका नाम सुना है, उस पे इसकी डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग की जा रही थी। स्पेशल पैकेज बाय द रामदेव ऑफ 35 मिनट्स, एक योगासन का 35 मिनट का पैकेज बना दिया था रामदेव जी ने जो कि जिनको हम जानते हैं योग गुरु के नाम से भी,
उन्होंने बनाया था जिसमें हर प्रकार के हर बीमारी से लड़ने के लिए या आप कह सकते हैं अपनी बॉडी को पूरा पूरे तरीके से मेंटेन करने के लिए फिट रखने के लिए इस 35 मिनट का योगा अगर आप करेंगे तो वो आपकी पूरी जो बॉडी है वो चाहे वो सर के बाल हो आंखें हो कुछ भी हो सारे बॉडी का वो पूरा सही रहेगा। इसका एक पैकेज बनाया था जिसको कि नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे उनके साथ या दूसरे जो पार्ट है हमारे इंडिया के वहां पे किया गया था। गिनीज रिकॉर्ड, हमारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हमारे इंडिया का नाम आया इंटरनेशनल योगा डे के थ्रू। कैसे आया? 35985 लगभग 36,000 पीपल एक साथ राजपथ न्यू दिल्ली में थे जिन्होंने कि नरेंद्र मोदी जी के साथ में योगा दिवस के दिन योगा डे जो है उस दिन उनके साथ योगासन किए थे योगा किए थे। नेक्स्ट है 84 कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया था। 84 कंट्रीज में इसका ब्रॉडकास्टिंग था, लोगों को पता था इस बार पहला इंटरनेशनल योगा डे है और 84 कंट्रीज ने भी एक साथ पार्टिसिपेट किया था जिसका भी रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है हमारे इंडिया का नाम इसके थ्रू। एक ये लास्ट है, आयुष मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश की गई 2019 में। इससे पहले वाले जो सारे पॉइंट हैं ये 2015 के लिए फैक्ट्स हैं आपके। ये जो लास्ट पॉइंट है ये आयुष मिनिस्ट्री ये स्पेशली योगा के लिए ही बना दी गई कि उनके जो टीचर्स हैं जो सिखाएंगे कुछ दिन में शायद कंपलसरी हो जाए कि हर स्कूल में या जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड है वहां पे इसको शायद कंफर्म भी कर दें। और इसके लिए 2019 में इन्होंने एक मिनिस्ट्री ही एस्टैब्लिश कर दी जिसका नाम रखा आयुष मिनिस्ट्री। ये सारी चीजें फैक्ट्स थी, थीम थी, जितना नेसेसरी डेट हो सकता था मैंने आपको बताया। जरूरी चीजें डेट्स थी एग्जाम्स के पर्पज से या आपके जानने के पर्पज से मैंने कोशिश करी है कि मैं इनमें समझा सकूं आपको। आगे मिलते हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।